केबिन चिरोदा से लगे पीपीआर रेलवे कॉलोनी के नर्सरी में रविवार को मिली लाश की पहचान हो गई है। मृतक मनीष शर्मा चिरोदा बस स्टैंड के पास अपने पिता के साथ शर्मा होटल चलाता था। मृतक के शरीर पर मिले धारदार हथियार से प्रहार के निशान के आधार पर युवक की हत्या मानी जा रही है। वहीं जीआरपी भिलाई मामले की विवेचना कर रही है। इस बीच मृत युवक के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ युवकों पर शक की सुई टिकी हुई है। वहीं आरोपियों को पकड़ने जीआरपी ने 5 सदस्यीय टीम गठित की है। सब है, यहाँ एक गटर बना हुआ है बीआर का, उसमें मिला है और जो गटर का सीमेंटेड एरिया उसके बाहर में ब्लड मिला है, तो संभव है कि बाहर में उसके साथ कुछ हुआ है, उसने स्वयं किया या किसी और ने, और उसके बाद वो पानी में गया है। मृतक के गले में भी पर्याप्त चोट है, तो कट हैं बहुत सारे और हाथ में भी कट हैं, और मृतक का शव को देख के वही 15 से 20 घंटे पुराना शव प्रतीत हुआ। जानकारी अभी वैसे मृतक के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, मृतक अभी अज्ञात है। उसके शरीर पे टैटू के मार्क्स हैं, नाम मनीष लिखा हुआ है, तो उसके आधार पे अभी जांच की जाएगी और पता चलेगा। अब तक सूचना कैसे आई? अब मेरे को जीआरपी थाना से सूचना आई थी, फोन से सूचना आई थी। सर, शव को देख करके क्या लग रहा है कि कितने घंटे पुराना हो सकता है? वो शव जैसे पानी में था तो उसके डिकम्पोज होने की जो उसके रेट को देखते हुए अपन ये बोल सकते हैं कि 15 से 20 घंटे पुराना हो सकता है। कॉलोनी के पीछे नर्सरी के पास जो पुरानी गटर है, गटर के अंदर एक डेड बॉडी अंदर में डूबा हुआ है। सूचना पर यहाँ आए एक एस एल डॉक्टर को सूचना दिया, डॉक्टर द्वारा भी निरीक्षण किया गया यहाँ पर। उसके बाद बॉडी को बाहर निकाला गया है, बॉडी निकालने के बाद में उसका निरीक्षण किया गया है, उसके बाएं हाथ में कलाई के पास और गले में चोट पाया गया। इसका पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की जाए।